नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हुए हैं इस्लाम शाह सूरी मकबरे के पास। आप देख सकते हैं सामने इस्लाम शाह सूरी मकबरा दिख रहा होगा आपको। दोस्तों, हम इस्लाम शाह सूरी के बारे में भी इस वीडियो में बताते चलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा इस्लाम शाह सूरी के बारे में, उनके वंश के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस जगह के बारे में, कहाँ पर है ये और ये कैसे इनकम्प्लीट नहीं हो पाया। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर काफ़ी बड़ा झील है। जिस तरह से शेरशाह सूरी के मकबरे में आप देखे होंगे, उसी तरह का झील यहां पर आपको दिखने का मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर जैसे कि शेरशाह सूरी के मकबरे में आपको दिखता है, वैसा भी आप देख सकते हैं यहां पर है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार सरकार लापरवाह हो गई है दोस्तों। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर डेवलपमेंट का नामों निशान नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गंदगी है दोस्तों। और दोस्तों, आपको हम बताते चले कि इस्लाम शाह सूरी का नाम सलीम शाह भी था। और दोस्तों, वे सूरी वंश के दूसरे शासक के रूप में भारत की गद्दी पर बैठे थे। उसने लगभग भारत पर 10 साल के शासन किए थे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलकर आपको इस्लाम शाह सूरी के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ता है मकबरे के पास जाने का, हम लोग रास्ते में हैं और आप देख सकते हैं ये रास्ता बिल्कुल ही शेरशाह सूरी के जैसा ही बनाया गया था, लेकिन ये इनकम्प्लीट रह गया था। तो
सकते हैं कि उन लोगों को इस जगह से कितना लगाव था। पूरा भारत होते हुए भी उन लोगों ने यही जगह चुना था दोस्तों। और दोस्तों, इस जगह को डेवलपमेंट किया जाए। और दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं उन लोगों का मजार भी है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं मकबरे के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मकबरे के ऊपर चलते हैं। वाओ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ का सीन कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। वाओ, ऑसम, गजब। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहेंगे कि अगर इस जगह पर सरकार ध्यान देती तो शायद इस जगह को भी पर्यटक स्थल में से एक बनाया गया होता। लेकिन सरकार की नाकामी के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ का हालात काफी बदतर हो गया है दोस्तों। अगर यह जगह डेवलप हुआ रहता तो शायद यहाँ पर दुनिया से भी लोग घूमने के लिए आते, क्योंकि यह जगह भी भारत के बादशाह का मकबरा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।